अब बेहतर क्या किया जा सकता हो इस पे सुझाव विपक्ष को देना चाहिए, और अब उनका बयान जो है उनका है, हम लोगों का काम अपना है, सरकार अपना काम कर रही है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। सर, ये घटना सामने आई है बिहार के राजेश साहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी गई, बिहार के दरभंगा में भोर सुबह की ये घटना है। हालांकि इसमें SIT बना दी गई है, फॉरेंसिक टीम घटना की जांच कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी जो विपक्ष का कहना ये है कि इस तरह की जो निर्मम हत्याएं हैं, जो अपराध है, वो बिहार में बढ़ता जा रहा है। अब एक राजनीतिक दल के लोगों की हत्या होने लगी इस तरह से। देखिए, वो घटना दुखद है, इसी घटना की हम निंदा करते हैं, और सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है, SIT गठित कर दी है, सरकार जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए पूरी कोशिश में लगी है, और उसका रिजल्ट भी जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। सर, अभी उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर कि पंतनगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर में जो अधिकारियों ने जो नदी के किनारे जो मार्किंग करी थी 50 मीटर थी, जिसको कहा गया कि 35 मीटर करी जाएगी और सिर्फ उसी में कार्रवाई होगी। हालांकि एक घंटे में ट्वीट होता और ट्वीट फिर से डिलीट हो जाता। विपक्ष का इसका कहना है कि सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है, उनके साथ खिलवाड़ कर रही है, उनकी जो गाड़ी कमाई से बनाए हुए घर है उसको खत्म करना चाहती है। इसके पीछे जो आरोप लगा रहे हैं वही जिम्मेदार हैं, जो मनमानी तरीके से सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में अवैध मकान बने हैं, तो बनवाए तो वही लोग हैं। अगर वो उसका कानून बना करके नियम से काम किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। सरकार जनता के साथ है, जनता ने सरकार बनाई है, जनता के हर सुख दुख में सरकार खड़ी है। और जहाँ तक सवाल ट्वीट का है, तो अब उसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, जब जानकारी होगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन जो बुलडोजर की कार्रवाई है, जो विपक्ष एक मुद्दा बना रहा है, उसी में आपके NDA के घटक दल के हिस्सा संजय निषाद ने भी कल ये बात कही, अधिकारियों पे सवाल खड़े किए कि अधिकारी जो है जहाँ पे अभी ये जो कार्रवाई का दौर है, लेकिन अभी प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने जो बुलडोजर कार्रवाई उस पे कल सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी मनमाने तरीके से ये काम कर रहे हैं, जो बुलडोजर है इससे लोगों का विश्वास नहीं जीता जा सकता, इससे लोगों को समस्या होती है, इसलिए इस कार्रवाई पे पुनः विचार करना चाहिए, कल उन्होंने अपने बयान में कहा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, जो सोच है, जो कानून उन्होंने बनाया, वो भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बनाया, जो सरकारी जमीनों पर, गरीबों की जमीनों पर जो अवैध कब्जा कर लिए हैं, तो उनसे छुटकारा दिलाने के लिए, उस जमीन को खाली कराने के लिए एक पॉलिसी लाई गई कि भू माफिया से जमीनों को मुक्त कराया जाए। इस बात को लेकर के कार्रवाई हो रही है। अगर कहीं गरीब के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो वो संज्ञान में सरकार को ले आवे, हम लोगों के संज्ञान में ले आवे, हम लोग पूरी तरह उनके साथ खड़े होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई, गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल है सर, अभी जिस तरह से पहले कुछ विधायक खिलाफ थे, अब कुछ जो MLC हैं उन्होंने भी सरकार का विरोध करना शुरू किया और कहा कि जो कार्य प्रणाली है उसमें बदलाव लाने की सख्त आवश्यकता है। देखिए, अभी परसों प्रदेश की कार्य समिति की बैठक हुई, भारतीय जनता पार्टी की, सभी लोगों ने एक स्वर से ये निर्णय लिया कि आगे आने वाले दिनों में जो 10 विधानसभा के उपचुनाव है, हम उस 10 विधानसभा को जीतने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, और आने वाले 2027 का जो चुनाव होगा उसमें भी हम लोग रणनीति बना करके चुनाव आगे हम लोग सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। तो सब लोग ज्वाइन हैं और इतना बड़ा परिवार है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोगों ने संकल्प लेकर के नई सरकार बनाने के लिए आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा, चाहे वो बाई इलेक्शन का चुनाव हो, चाहे आम चुनाव हो प्रदेश का, उसमें सब लोग मिलजुल के काम करेंगे।